लेडी के बैक पार्ट पे लगे हैं कीड़े। और देखिए ट्राइफोफोबिया वाले कीड़े हैं जो कि छोटे वाले चाकू ने रिमूव किया। बड़ा वाला चाकू हमारा देखिए बहुत ही सेफ तरीके से रिमूव किया कुछ कीड़े को। और देखिए छोटा वाला चाकू हमारा रिमूव कर चुका है। हेड वाला चाकू भयंकर कीड़े को रिमूव किया। और देखिए ट्रीटमेंट करने वाला कटर भी काट दिया है कीड़े को। और देखिए हमारा क्रोम वाला चाकू भी छोटे छोटे कीड़े को निकाला। ट्राइफोफोबिया वाले निकल चुके हैं कीड़े। और देखिए रेड वाला हमारा चाकू बहुत ही औसम तरीके से ट्रीटमेंट कर चुका है आसानी से। और देखिए गोल्डन वाला चाकू भी रिमूव किया। और देखिए रेड वाले कीड़े भी रिमूव हुए आसानी से। पतला वाला चाकू बड़े बड़े होल वाले कीड़े को रिमूव कर चुका है। बहुत ही सेफ तरीके से सारे कीड़े रिमूव हुए। ब्लैक वाले कीड़े पूरे के पूरे रिमूव हो चुके हैं हमारे सिल्वर वाले चाकू से। आ गया हमारा दवा और दवाई इसके पूरे ही बैक साइड पे लग चुकी है। आ जाएगा हमारा कॉटमोल रुई जो कि हम लोग अब टाइमर चलाएंगे। बहुत ही औसम तरीके से टाइमर भी चलना चालू हो गया है हमारा। और टाइमर चलने के बाद आप लोग देख सकते हो पूरे ही बैक साइड का हम लोगों ने बहुत ही डीप ग्रीन के साथ इसका ट्रीटमेंट कर दिया है आसानी से। ये हैं कीड़े। हमारा छोटा वाला चाकू बहुत ही सेफ तरीके से रिमूव किया कुछ कीड़े को। दांत वाले कीड़े भी बहुत ही सेफ तरीके से ट्रीटमेंट हुए। हमारे चिमटी ब्लैक वाले कीड़े को पकड़ के रिमूव करेगा। और देखिए लास्ट वाला बचा हुआ है ये भी पकड़ा गया और ये बहुत ही सेफ तरीके से गिर चुका है। छोटा वाला चाकू हमारा बहुत ही सेफ तरीके से रिमूव किया कुछ कीड़े को। और देखिए हमारा बड़ा और पतला वाला चाकू भी सेफ तरीके से रिमूव किया। हैंड वाला चाकू हमारा ये भी सेफ तरीके से कुछ कीड़े को निकाला। हमारा गोल्डन वाला चाकू भी रिमूव किया खतरनाक कीड़े को।
और रेड वाले होल वाले कीड़े थे ये भी रिमूव हुए। ये बहुत ही ज़्यादा घिनौने दिख रहे कीड़े ये भी रिमूव हो चुके हैं। ट्राइफोफोबिया वाले कीड़े भी रिमूव हो चुके हैं आसानी से। छोटे छोटे आंख वाले कीड़े रिमूव हो चुके हैं। और देखिए सेफ तरीके से लग गया हमारा दवा। और देखिए दवाई को भी लगना था तो लग चुका है। आगे हमारा कोट रुई जो कि हम लोग टाइमर चलाएंगे। टाइमर चलने के बाद देखते हैं हमारा फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है। और देखिए आप लोग गाड़ी पे लगे हैं कीड़े। हमारा पतला वाला चाकू जो कि बहुत ही सेफ तरीके से रिमूव किया कुछ कीड़े को। हैंड वाला चाकू भी बहुत ही ऑसम तरीके से रिमूव कर चुका है। ये कुछ आंख वाले कीड़े थे जो कि ये भी निकल चुके हैं। ब्लैक वाले कीड़े इसके पूरे ही लिप्स पे लगे थे उसको भी हम लोगों ने निकाला। और ये ट्राइफोफोबिया वाले कीड़े भी निकल चुके हैं सेफ तरीके से। और हमारा पतला वाला बड़ा वाला चाकू भी रिमूव किया कुछ कीड़े को। गोल्डन वाला चाकू भी सेफ तरीके से रिमूव कर चुका है बहुत सारे कीड़े को। वाला चाकू हमारा रेड वाले कीड़े को भी सेफ तरीके से निकाला। होल वाले कीड़े भी निकल चुके हैं सेफ तरीके से। शिकंजा वाला चाकू भी देखिए बड़े बड़े होल वाले कीड़े को निकाल चुका है एक ही बार में। लिप्स पे लगे हुए छोटे छोटे कीड़े भी निकल चुके हैं। आगे हमारा दवा जो कि इसके दाढ़ी पे लगा देते हैं। और देखिए दवाई लग चुकी है बहुत ही सेफ तरीके से। आ जाएगा हमारा कॉटमूल रुई जो कि हम लोग अब टाइमर चलाएंगे। और टाइमर चलना हमारा चालू हो गया है बहुत ही सेफ और ऑसम तरीके से। इन्होंने कीड़े बड़े बड़े होल वाले कीड़े निकल चुके हैं कट के। दूसरी साइड भी लग गए थे होल वाले कीड़े जो कि निकले बहुत ही सेफ तरीके से।
हेड वाला चाकू हमारा बड़े वाले गोल वाले कीड़े को निकाल चुका है पूरी तरह। कुछ डेंजर वाले कीड़े हैं, डेंजर वाले कीड़े भी सेफ तरीके से कट के निकल चुके हैं। क्रोम वाला चाकू हमारा रेड वाले कीड़े को बहुत ही सेफ तरीके से निकाला। बड़ा वाला चाकू हमारा बहुत ही सेफ तरीके से बैक साइड पे लगे हुए कीड़े को निकाल दिया है। गोल्डन वाला चाकू भी सेफ तरीके से ट्रीटमेंट किया। ये मैंगोट्स वाले कीड़े हैं, जो कि बेहद ही खतरनाक थे, वो भी रिमूव हो चुके हैं। बहुत ही औसम तरीके से हमारा पतला वाला चाकू भी ट्रीटमेंट कर दिया है। बड़े वाले मुंह वाले कीड़े भी निकले एक ही बार में। हमारा सिकंजा वाला चाकू बहुत ही सेफ तरीके से ट्रीटमेंट कर चुका है। आ गया हमारा दवा, और देखिए दवाई बहुत ही सेफ तरीके से लग चुकी है पूरे ही इसके बैक साइड पे। और आ जाएगा हमारा कॉटमोल रुई, जो कि हम लोग अब टाइमर चलाएंगे। तो टाइमर चलना चालू हो गया है। टाइमर घिनौने कीड़े, हमारा छोटा वाला चाकू बहुत ही सेफ तरीके से रिमूव किया कुछ कीड़े को। हमारे बड़े वाले चाकू ने ट्राइफोफोबिया वाले कीड़े को सेफ तरीके से रिमूव किया। और देखिए घिनौने टाइप के कीड़े को हमारे बड़े वाले चाकू ने रिमूव किया। हमारा हैंड वाला चाकू देखिए घिनौने टाइप के मैंगोट्स को रिमूव किया। क्रोमा वाला चाकू ब्लैक वाले बड़े घावत को रिमूव कर चुका है। इसके हाथ का ट्रीटमेंट होगा, वो भी डीप क्लीन के साथ। ब्लैक वाले कीड़े को भी निकाला हमारे गोल्डन वाले चाकू ने। सिकंजा वाला चाकू हमारा बहुत ही औसम तरीके से रिमूव किया। हमारा बड़ा वाला चाकू भी ट्रीटमेंट किया औसम तरीके से। बड़े बड़े मैंगोट्स के घवद भी पूरी तरह रिमूव हो चुके हैं।
और ये भी बड़ा वाला घावा ही था जो कि रिमूव हो चुका है आसानी से। पतला वाला चाकू घिनौने वाले टाइप के कीड़े को निकाल चुका है। और ये मैंगोट्स भी रिमूव हो चुके हैं। आगे हमारा क्रीम का दवा देखिए हैंड वाले कीड़े पे लगा, दूसरी साइड भी लग चुका है आसानी से। आगे हमारा कॉटन बोल रुई जो कि हम लोग अब टाइमर चला देंगे अट रहे हैं। और देखिए चिमटी हमारा बहुत ही सेफ तरीके से एक एक करके सारे के सारे कीड़े को रिमूव करेगा। और ये रेड वाले कीड़े हैं जो कि इसके पूरे ही दिमाग में घुस चुके हैं। हम लोग ट्रीटमेंट कर देंगे पूरे के पूरे कीड़े को। और देखिए अभी लास्ट वाला कीड़ा बचा हुआ है जो कि हमारा चिमटी ने पकड़ा और रिमूव कर दिया बहुत ही सेफ तरीके से। हमारे चिमटी का काम ख़त्म। आगे हमारा चाकू बड़ा वाला। बड़ा वाला चाकू हमारा बहुत ही सेफ तरीके से होल वाले कीड़े को रिमूव किया। और ये कुछ घिनौने टाइप के होल वाले कीड़े थे जो कि अभी रिमूव हो चुके हैं आसानी से। ट्राइफोफोबिया वाले कीड़े भी रिमूव हुए बहुत ही सेफ तरीके से। और ये घिनौने टाइप के ट्राइफोफोबिया हैं जो कि ये भी सेफ तरीके से कट चुके हैं पूरी तरह। क्रोमो वाला चाकू हमारा होल वाले कीड़े को निकाल दिया है। हेड वाला चाकू हमारा बहुत ही सेफ तरीके से रिमूव किया कीड़े को। इसके पूरे ही हेड का हम लोग ट्रीटमेंट कर देंगे आज। और ये घिनौने टाइप के कीड़े थे जो कि अभी निकल चुके हैं ऑसम तरीके से। और ये रेड वाले कीड़े भी निकले सेफ तरीके से। आगे पतला वाला चाकू जो कि बड़े वाले ट्राइफोफोबिया को निकाला। और ये आँख वाला कीड़ा भी निकल चुका है बहुत ही सेफ तरीके से। हम लोग इस पे क्रीम का दवा लगाएंगे। इसके पूरे ही देखिए हेड पे लग चुका है दवा। आ जाएगा हमारा कॉटमोल रुई जो कि हम लोग अब टाइमर चलाएंगे। तो टाइमर चलना चालू हो गया है और टाइमर